राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने गढ़चिरौली दौरे के दौरान गढ़चिरौली जिला सामान्य अस्पताल का दौरा किया। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस अस्पताल के खराब प्रबंधन और जिला सामान्य अस्पताल में जनता को होने वाली असुविधा और असुविधा के संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया और अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल की समीक्षा की। इस दौरान कई गंभीर त्रुटियां सामने आते ही स्वास्थ्य सेवा के प्रति संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी सरकार को उपस्थित पदाधिकारियों वरिष्ठ पदाधिकारियों के कान खोलकर आड़े हाथ लिया गया। गढ़चिरौली जिला आदिवासियों की बहुलता वाला अत्यंत सुदूर और नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है, जबकि राज्य के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस जिले के संरक्षक मंत्री है। जिले में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति गंभीर हो गई है। इस अस्पताल में मरीजों का समय पर उपचार न होना, प्रसूताओं को निजी अस्पतालों में भेजना, रात्रि पाली में वरिष्ठ एवं अनुभवी डॉक्टरों का न होना, अस्पताल में बंद लिफ्ट, फायर ऑडिट के बाद भी उचित सावधानियां का अभाव, रिक्त पदों जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं। अस्पताल एवं कोविड में कार्यरत संविदा कर्मियों को बर्खास्तगी में त्रुटियां पाई गई। साथ ही विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के बारे में जिला सामान्य अस्पताल के सर्जनों, अतिरिक्त सर्जनों, चिकित्सा अधिकारियों और विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों को भाषण दिया। साथ ही अग्निशमन संबंधी कार्यों में देरी को लेकर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार भी लगाई तथा अग्निशमन से संबंधित रुके हुए कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। जिला ग्रामीण अस्पताल MRI, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या ऑपरेशन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुविधाएं नहीं है, इसलिए सुदूर जिले गढ़चिरौली के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारी वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने आलोचना की कि गढ़चिरौली जिले की स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में सरकार की उपेक्षित नीति इसका कारण है और ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरना स्वास्थ्य मंत्री के अधिकार क्षेत्र में होने के बावजूद सरकार केवल निविदाओं में लगी हुई है और कमीशन जिले के संरक्षण मंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी है। उन्होंने खेद भी व्यक्त किया कि गढ़चिरौली के स्वास्थ्य देखभाल को उचित न्याय नहीं मिल रहा। विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि वे जिले में रक्त की कमी को रोकने के लिए पुलिस विभाग से विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित करने का भी अनुरोध करेंगे। इस अवसर पर गढ़चिरौली जिला सामान्य अस्पताल के सर्जन डॉक्टर प्रमोद खंडादे, डॉक्टर सतीश सोलुंके, RMO बाबाराव धुर्वे, गढ़चिरौली कांग्रेस के वरिष्ठ और राम मेशराम किसान सेल वामनराव सावसाकड़े, महिला आघाड़ी जिला अध्यक्ष कविता मोहरकर, अनुसूचित जाति सेल जिला अध्यक्ष रजनीकांत मुड़घरे, चंद्रपुर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश पाटिल चिटुनुरवार और अधिकांश कांग्रेस पदाधिकारी और इस समय कार्यकर्ता उपस्थित थे। दुर्दैव है कि पालक मंत्री होम मिनिस्टर है, आरोग्य मंत्री तर अखंड बुडालेला आहे भ्रष्टाचारामध्ये, अखंड अनेक अनेक आरोप, मोठमोठे गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहेत, ते विषय मागे निघालेत पुढे निघणार आहे, त्यांचं लक्ष नाही आहे, सरकारचंच लक्ष एकूण या सगळ्या अत्यंत आवश्यक असलेल्या सेवेकडे नाही आहे। यांना टेंडर, टेंडरमधून कमिशन, कमिशनमधून टेंडर, एवढेच त्यांचं सध्या काम चाललेलं आहे। एकमेकावर आरोप करणं आता सत्तेसाठी वाटेल ते अशा प्रकारचा याचा धंदा सुरू आहे। मी आम्ही घेऊ, काही विषय आमच्या लक्षात गंभीर आलेले आहे ते मांडू आम्ही, परंतु एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की ग्रामीण भागातील आणि नक्षलग्रस्त भागातील ही व्यवस्था पूर्ण पद भरण्यासाठी इथे कोणी थांबवू शकत नाही, कशाची परमिशनची गरज नाही। मंत्र्यांनी आपल्या अधिकारात ही सगळी पदं भरावी, नाहीतर ट्रान्सफर करून न्यावी दुसरीकडून, पण यामध्ये एकही पद रिक्त राहणार नाही यासाठी मी मागणी करे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, 38 वेड़ाहरी आउटर रिंग रोड, पोस्ट बेसा, नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999
एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज